व्हाट्स अप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हमारे पास जो बाइक है भाई, ऑन डिमांड उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हमने वो जो रिव्यू की थी वो लॉन्च होने के सेकंड डे ही कर दिया था, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 2023 खत्म होने को है। एंड 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल, एंड जो कहते हैं ना फर्स्ट नंबर पर इंडिया पर जो मोटरसाइकिल थी वो 2023 में हंटर 350 थी, रॉयल इनफील्ड की। दैट उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एंड अपने साथ खड़ी है द टॉप मॉडल, एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, जैसे शोरूम से आई थी बिल्कुल सेम वैसी ही है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो। नेगेटिव पॉइंट्स अभी क्या है, या चेंजेस कुछ किया है या नहीं किया है रॉयल इनफील्ड ने। सो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि जो रिव्यू हमने पहले किया था उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड थी, बट ये बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं है। सो लेट्स वॉच कि इसके अंदर क्या क्या रॉयल इनफील्ड ने अपडेट किया है, या फिर सब कुछ वैसा ही है। एंड नेगेटिव क्या है यार, नेगेटिव एक्चुअली इस बाइक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता, जो आपको भी नहीं पता। सो उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स वॉच। फाइनली दिस इज़ द हंटर 350 रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल है, मैट ब्लैक में है ना, मैट ब्लैक एंड रेड के साथ है, ग्लॉसी रेड है और ग्लॉसी ब्लैक है। एंड ये कलर जो है टॉप नोच पे अभी आ रहा है, इससे पहले जो ब्लू और वाइट में आ रहा था है ना, डबल टोन में, इसको हम डबल टोन कहते हैं, जो कि अपर लेवल पे आता है। इसके जो वेरियंट आते हैं उसमें सबसे टॉप मॉडल पर ये मोटरसाइकिल आती है एंड ये कलर आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि भाई इसके लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लुक्स कैसे हैं, लुक्स भाई पहले जैसे ही हैं, जैसे आई थी वैसी ही है। एंड सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल ये बिकी है मार्केट के अंदर। एंड भाई इसका माइलेज, इसकी क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पसंद आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को थोड़ा सा कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा ये होता या वो होता। देखो लोगों की ना सबकी अलग अलग सोच है, कौन क्या सोचता है, किसको कैसा चाहिए, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। सो लेट्स वॉच की अभी हम लोग इसके अंदर क्या बात करने वाले। ऑन डिमांड ये वीडियो आई है ना, कुछ लोगों ने बोला था कि भाई हंटर जो 350 स्टार्टिंग में एक रिव्यू किया था, बट अभी कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर। सो लेट्स वॉच। कि मैं बताया था लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात किया था, एंड उसने कब लॉन्च करी, कैसे लॉन्च करी, एंड इसका प्राइस इतना कम कैसे है। अगर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके पास 2 से 2.5 लाख तक का बजट है, ऑन रोड प्राइस की बात अभी मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्स शोरूम तो आई थिंक 1,80,000 या 1,85,000 के आसपास पड़ती है, वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, तो आपके स्टेट में कितनी है ना। तो उस टाइम मैंने जो बात की थी भाई कि ये इस प्राइस में अच्छी है कि नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट सारे बताए थे, बट अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नो डाउट कलर बहुत ही प्यारा लगता है, रेड कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। एक्चुअली ये जब साइन करता है ना रोड पे चलते वक्त, जो इसकी प्रेजेंस आती है बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। पब्लिक के मुताबिक जो ये मोटरसाइकिल है ये 2023 में सबसे ज़्यादा बिकी है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर है ना एक ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखती, इस पर एक मोटरसाइकिल पर एक ब्रांडिंग कर रखी है छोटी सी है, इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर इसको मिला हुआ है, जो इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर इसको 2023 का मिला हुआ है इसको। भाई मतलब क्यों मिला हुआ है, किस रीज़न से मिला हुआ है, इसका एग्जॉस्ट साउंड मेरे को सबसे ज़्यादा इसका एग्जॉस्ट साउंड प्यारा लगता है, इसलिए इस सेगमेंट में ये वाला एग्जॉस्ट साउंड एंड रॉयल इनफील्ड की आई थिंक इस सेगमेंट के अंदर पहली ये स्पोर्ट्स बाइक है जो कि उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको है ना अलॉयज मिल जाएंगे आगे एंड पीछे, दोनों टायर जो है ना आपको अलॉयज मिल जाएंगे, ब्लैक कलर के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैट ब्लैक में अलॉयज हैं इसके, ठीक है। एंड इसमें डबल चैनल एबीएस मिल जाएगा, और इसके जो सस्पेंशन के बारे में बात करें तो वो नॉर्मल वाले हैं, आगे आपको टेलीस्कोपिक वाले मिल जाते हैं सस्पेंशन, एंड पीछे आपको नॉर्मल आते हैं जो पहले आते थे, ठीक है। तो ये एक ऑफ रोड भी हम इससे कर सकते हैं, बट ऑफ रोड में एक झंझट है बहुत तगड़ा वाला, वो नेगेटिव पॉइंट के बारे में हम बताएंगे, जब हम नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू कि वो क्या चीज़ है, किसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो भाई काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भाई अगर हम इसको हाई स्पीड में चला रहे हैं, जो टॉप नोच मतलब ये समझ लो 100+ है, तो इसकी ब्रेकिंग कैसी काम करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी काम करती है। अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैं बहुत ही सॉफ्टली इसको अभी राइड कर रहा हूँ, 100 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बाकी वो रोड है नहीं 100 से ऊपर जाने वाला, बट इसकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी काम कर रही है, हैंडल बार इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करता है, तो मेरे को ना अभी तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। हैंडल एक लॉन्ग राइड के लिए ना काफ़ी अच्छा हैंडल बार है इसका, एंड सबसे बड़ी बात है जो इसका क्लच है ये काफ़ी सॉफ्टली गियर को चेंज करने में हेल्प करता है। मैंने भी रात में इसको राइड किया हुआ, वो मेरे को ना इसके सामने की ना हेडलाइट की विजिबिलिटी बताना, बाकी इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। हैजार्ड नहीं बोलेंगे बट चारों इंडिकेटर जो होते हैं ना, जैसे लोग आफ्टर मार्केट जाके प्लग लगवा के देन चारों इंडिकेटर वर्क करवाते हैं, पार्किंग लाइट जिसे हम कहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। रेड टोन कलर भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इनहेंस लग रहा है, देख रहे हो प्यारी लग रही है, नो डाउट। सीट हाइट के ऊपर जो बात हमने की, एक शॉर्ट हाइट वाला बंदा भी इसको ओन कर सकता है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, पैर पूरे टच होंगे नो डाउट। एंड जो नेगेटिव पॉइंट है इसका ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। कंपनी से मिलता है ना यहाँ पे गार्ड मिलता है, इंजन गार्ड मिलता है, या जो हम कीचड़ ना लगे, एकदम हिंदी में बता दूँ कि
कीचड़ न लगे तो ये इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो लगवा लेना चाहिए। इसके अंदर आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा हुआ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी मतलब एसेसरीज अलग से नहीं लगवाई हुई, ठीक है, अभी नंबर प्लेट भी नहीं है, तो एसेसरीज कुछ भी बाहर से नहीं लगवाई हुई है। इनफैक्ट ये जो गार्ड आता है ना ये भी नहीं लगवाया, ये लगवा लेना चाहिए। अगर आप ओन कर रहे हो या फिर आप नहीं लगवाया या फिर आप लेने वाले हो तो आप प्लीज वो लगवा लेना, ठीक है। डिस्क आप देख रहे हो, डिस्क आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या बताऊं मैं, टायर के बराबर ये दूर से देखने में ना बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और आगे वाला जो टायर साइज आपको मिल जाएगा 1:10 मिल जाएगा, ठीक है, आगे वाला टायर आपको 1:10 देखने के लिए मिल जाएगा। और मटेरियल की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको पीछे वाला टायर मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा 1:40, ठीक है, 1:40-1:70 का इसमें टायर मिल जाएगा, 140 सेशन का इसमें आपको टायर मिल जाएगा। एंड डबल चैनल एबीएस तो आपको इसमें मिल ही रहा है। एंड एग्जॉस्ट वैसे तो देखने में ना प्यारा लगता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज है एग्जॉस्ट लगता है, बट इसका साउंड क्या है मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ इसका। दिस इज द मीटर, मीटर कुछ ऐसा वर्क करता है, ठीक है, और चलो लेट्स साउंड, दिस इज द साउंड। एक्चुअली अभी कोई भी रैव नहीं है, नॉर्मल साउंड है, जो कुछ ऐसा है इसका, एक बार आप सुन लो, मैं रैव करके सुना देता हूँ। वैसे तो देखो रिव्यू बहुत सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे, बट अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो बैचिंग लगा रखी है, ठीक है, लगा रखे ना इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2023 में इसको मिला हुआ है, रॉयल इनफील्ड को, हंटर को लेके, हंटर मोटरसाइकिल को लेके इनको ये मिला हुआ है भाई, ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। एंड मीटर ऐसा दिखता है बट अलग से ही दिखता है, ठीक है, वाइजर भी इसका आता है, वाइजर मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं है, किसी को पसंद है तो लगवा सकता है, बट ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ना बिल्कुल अलग दिख रही हैं, बिल्कुल यहीं से ही सब कुछ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ना उनको ढकना चाहिए था या फिर मीटर का कुछ ऐसा करना चाहिए था जो ये चीज़ें अलग से ही ना दिखे, ठीक है। मीटर अलग ही दिखता है, की आपने लगा रखी है, की का जो पूरा फ्रेम है, की फ्रेम, पूरा पूरा की फ्रेम दिखता है, तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना थोड़ी सी दिक्कत कर देती हैं। एंड दिस इज़ द आई बटन, व्हाट इज़ दिस, ये मेरे को नहीं पता, एक बार मेरे को ना कमेंट में बता देना ये किस चीज़ के लिए होता है। बाकी इसका मैनुअल कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि मिट्टीओर में मिलता है, अभी आपको मिट्टीओर के अंदर सेम यही फंक्शंस मिलने वाले। एंड जो इंजन आता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो इसका इंजन आता है आपको ये क्लासिक 350 में भी सेम इंजन मिलने वाला है 350 सीसी का, और आपको मिट्टीओर के अंदर भी 350 सीसी की जो सेगमेंट में अभी बाइक आ रही है ना रॉयल एनफील्ड की, सब में सेम इंजन मिलने वाला है, मैट ब्लैक में मिलने वाला है, ठीक है। वो बात करते हैं भाई, देखो अब पब्लिक ये कहेगी 350 सीसी की तो इसका टॉर्क कैसा है, ये भक्ति कैसे है भाई, है ना, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, ये जो इनिशियल पावर जनरेट करती है ना और ये भगती है रोड पे, एकदम ऐसे रोड को ऐसे पकड़ के भगती है, तो उस चीज से तो बेफिक्र रहोगी भाई, ये भगेगी नहीं है ऐसा कुछ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल ऐसी है कि इसके अंदर भाई आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर मार्केट छोटी छोटी एसेसरीज लगती है, जैसे कि अगर आपको गार्ड वगैरह लगवाना है तो आप यहाँ पे गार्ड लगवा सकते हो, है ना, गार्ड लगवाने के बाद, और जो मैंने आपको इंजन प्रोटेक्टर बताया वो लगा सकते हो, लीवर गार्ड लगवा सकते हो, और सीट कंफर्टेबल है वैसे तो, अगर सीट कवर लगवाना हो अपने हिसाब से थोड़ी सी और कंफर्टेबल करवानी हो सीट कवर को लेकर वो करवा सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी अलग से नहीं करवाना। बहुत ही ज्यादा प्यारी मोटरसाइकिल है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसको राइड करने में। राइड वाला जो मैं इसके बाद ही आपको राइड वाला जो एक रिव्यू होता है ना वो मैं आपको राइडिंग रिव्यू भी सेम देने वाला हूं, ब्रेकिंग के ऊपर आपको मैंने बताई दिया ब्रेकिंग कैसे काम कर रही है, एंड ओनर रिव्यू के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीसरी बार बता रहा हूं तो जाके चेक कर लो, क्योंकि भाई इस सेगमेंट में सबसे सस्ती मोटरसाइकिल अगर आई हुई है रॉयल इनफील्ड की, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो क्या इशू आने वाला है। सो लेट्स, मैं मतलब डायरेक्टली हम बात करते हैं ना, मैं एक एक चीज ऐसे नहीं समझा सकता, मैं डायरेक्ट इस पे जाता हूँ और एक एक चीज दिखा के बताता हूँ, नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या है। कोई भी ना इधर दिल पे नहीं लेना, क्योंकि यार अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है तो उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वो ये क्यों ले रहा है या लेनी है या नहीं लेनी है, किस वजह से ले रहा है किस वजह से नहीं ले रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, आप क्यों ओन कर रहे हो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स देखो मैंने सारे बता दिए, बाइक के अंदर क्या क्या आ रहा है, क्या क्या मजा है, सब कुछ बताया, बट अभी जो मेन है ना, मेन बात ये है हमारी नेगेटिव पॉइंट वाली, मैं जो बता रहा था भाई, इसके अंदर है ना आपको है ना 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। मैं ये कहता हूं भाई ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम क्यों है, क्योंकि आप अगर ऑफ रोडिंग करते हो, आपकी रॉयल इनफील्ड का एक ग्रुप है, ठीक है, अगर आप ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देगा पिलियन को बैठाने के बाद। अगर आप मार्केट से ना कोई ऐसी नॉर्मल मोटरसाइकिल भी खरीदोगे ना तो आपको 160-170 का तो उसमें ही मिल जाता है, बट इसमें इतना कम क्यों। सेकंड, जैसा कि मैंने सीट हाइट के बारे में बताया भाई, मेरी जो पर्सनल हाइट है वो है 5'11", ठीक है, और शॉर्ट हाइट के लिए नो डाउट बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर मैं बैठूं
तो मेरे जो पैर है ना ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी हेल्थ मेरी ठीक है, बट मेरे से भी अगर कोई पतला आदमी इस पे आता है तो ये मोटरसाइकिल जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी लगेगी। नो डाउट इसका लुक्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, रॉयल इनफील्ड ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बट एक लॉन्ग जो मतलब एक लॉन्ग साइज़ का बंदा होता है ना 5.11 5.10, तो पैर पूरे ऐसे टिक रहे हैं और ऐसे देखने में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बट शॉर्ट हाइट के लिए ठीक है। तो यार ओके ओके है, बट लेकिन लॉन्ग हाइट वाले के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी है, बट ओके ठीक है यार। एंड सेकंड चीज़ अगर हम लोग बात करें भाई, इसमें है ना आपको है ना लाइट्स वगैरह जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मीटर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ लाइट्स वगैरह के बारे में। तो इसमें है ना एलईडी की बात करें ना, कहीं भी कोई एलईडी नहीं है, सब कुछ आपको हैलोजन मिलने वाला है, हेडलाइट हैलोजन मिलने वाला है, आपको इंडिकेटर्स हैलोजन मिलने वाले हैं। बट मार्केट को देख के ना कुछ तो इंक्रीज करना चाहिए रॉयल इनफील्ड को, कुछ तो यार मतलब थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। मानते हैं कि रॉयल इनफील्ड अपना जो रॉयल लुक है वो बरकरार रखना चाहता है, बट ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी ये सेम सेगमेंट रखना था। मार्केट में जो एक वो चल रहा है ना कंपटीशन, उस कंपटीशन के हिसाब से एलईडी देना चाहिए था। देख लो मीटर, ठीक है मीटर वही पुराना है, ठीक है 160 तक शो करता है, ठीक है। तो 160 ऑलमोस्ट ठीक है, 160 नहीं जाती है बट ऑलमोस्ट ठीक है। तो एंड सबके सामने अगर आपको मैं बात सामने से एक बार मैं दिखाऊँ ना, तो ये आपको हैलोजन मिल जाएगा सामने से देखने में, वही पुराना वाला लुक जो है रॉयल इनफील्ड का वो निकल के आता है। एंड टेल लैम्प के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये भी सेम है, आपको इसमें हैलोजन वाला मिलने वाला है, ठीक है। मेरे को यार मतलब पर्सनली थोड़ा सा ना ये जो इसकी टेल है ना पीछे वाली, ये थोड़ा सा प्यारी लगती है, बहुत थोड़ी सी ही प्यारी लगती है मतलब सीरियसली। और आगे से भी अगर थोड़ा बहुत और लुक थोड़ा इंक्रीज कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। इसके राइवल्स को देखोगे ना जो इनकी इसकी कॉम्पिटिशन वाली मोटरसाइकिल है, जैसे रॉनिन हो गई, उसके अंदर आपको ना एलईडी सेटअप मिल जाता है। बट ठीक है, कंपनी कंपनी का फर्क है, किसी को रॉयल इनफील्ड पसंद है, किसी को टीवीएस, किसी को यामाहा, मतलब मैं सीरियसली बताऊँ ना सबके पसंद के ऊपर बात है। बट ठीक है, रॉयल इनफील्ड अपनी रॉयलिटी बरकरार रखना चाहता है, दैट्स वाई उन्होंने ये चीज़ें दे रखी हैं कि मोटरसाइकिल के अंदर कोई कमी है। रोड प्रेजेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट कंपनी को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई थोड़ा बहुत और कर देंगे ना इसमें, थोड़ा सा काम मतलब हल्का सा काम और बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी मोटरसाइकिल। तो रॉयल इनफील्ड को थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। तो इसका जो सस्पेंशन है ना रोड पे, जितनी मैंने चलाई है तो जो इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं इसके मुकाबले, क्योंकि अगर कोई पीछे बैठा हुआ है ना तो उसको दिक्कत पता है क्या होती है, अगर थोड़ा सा मतलब गड्ढा है या कुछ है तो ये तुरंत रिस्पांस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ है, रिस्पांस जो इसका पीछे वाले का है बहुत नॉर्मल है। अगर आप स्पोर्टी लुक दे रहे हो तो यार एक मोनोशॉक सस्पेंशन भी दे देते, इसमें क्या ही जा रहा है यार भाई। अब देखो ये टॉप मॉडल है, 2 से 2.5 लाख की आराम से मिल जाएगी ऑन पेपर वगैरह, ऑन रोड आके आपको 2 से 2.5 लाख में आपके हाथ में आ जाएगी। बट 2-2.5 लाख रुपये में अगर आप कोई मोटरसाइकिल ले रहे हो तो इनफैक्ट यार ये जब आप स्पोर्टी लुक इसमें दे रहे हो तो वही चीज़ इसमें भी कर दो ना भाई, इसको भी हटाओ और मोनोशॉक सस्पेंशन दे दो ना। आगे वाला चलो आगे वाला ठीक है, बहुत अच्छा वर्क करता है नो डाउट, लेकिन पीछे वाला थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा। अभी मैं राइड करके आया हूँ, ठीक है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और जितनी जब से ये आई है अभी तक मैंने जितनी बार राइड की है उसके हिसाब से भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई ऐसा मत सोचना कि मैं इसकी नेगेटिविटी जानबूझ के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी वो आपके ऊपर है आपको कैसी लगती है। और इसके अंदर जैसे कि ये है, ठीक है, कोई बैठ रहा है आगे, उसने मतलब पूरा पैर रख दिया, ठीक है। ये मोस्टली जो रहता है हमारा पैर ऐसे रहता है, ऐसे हाफ पैर रहता है, ऐसे हाफ रहता है, उसके बाद हम लोग ऐसे ब्रेक मारते हैं। लेकिन पीछे वाले का फिर क्या, पीछे वाला कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है आगे वाले से, तो ये एक दिक्कत है। थोड़ा सा फुट स्टेप जो है थोड़ा सा पीछे रखना था। इनफैक्ट अगर मैं गियर वगैरह चेंज करने, यहाँ पे मैं गियर वगैरह चेंज करने आऊँ, यहाँ से ही चेंज होता है गियर, और चेंज करने के बाद अगर मैं सेकंड लैग रखूँ, देखो यहाँ तक आ रहा है, अगर मैं सेकंड यहाँ तक रखूँ तो देखो कहीं ना कहीं फंस रहा है, या तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, बट ऐसे कोई नहीं रखता, सब ऐसे ही रखते हैं। अब इतना स्पेस बचा है, अगर मैं यहाँ ऐसे रखूँगा तो फिर देख रहे हो कहीं ना कहीं टच हो रहा है पूरा, तो ये थोड़ा सा ना गैप रखना चाहिए था। बाकी ये रोड प्रेजेंट्स में तो काफ़ी अच्छी लुक, काफ़ी अच्छा प्यारा, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स इसके ऊपर आता है। और पिलियन वाली अगर हम बात करें, पिलियन अगर इतने बैठता है तो इतनी सी सीट बचती है, कंफर्टेबल सीट है नो डाउट, बट इसका कहीं ना कहीं हिसाब किताब MT15 वाला हो रहा है, सीट को लेके बहुत ज़्यादा छोटी सीट कर दिया यार, देख रहे हो बहुत ज़्यादा छोटी सीट कर दिया। रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है, चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड इसके कलर काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। बट ये आपको 350cc में मोटरसाइकिल जो मिल रही है, कहीं ना कहीं प्राइस को है ना अंदर लाने के लिए स्टार्टिंग में ही जो रॉयल इनफील्ड ने ये करा था कि हमको प्राइस अगर लेके आना है उस लेवल तक तो इसके अंदर हम फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। लाइक ये मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी, इसमें फाइबर ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट ठीक है यार, मोटरसाइकिल के प्रेजेंट्स ऑल गुड। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था, ठीक है, मोटरसाइकिल हमारे पीछे खड़ी हुई है, कैसी लगी वीडियो, एंड सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर दो। अगर किसी और मोटरसाइकिल का रिव्यू चाहिए या मॉडिफिकेशन रिव्यू चाहिए या फिर अपनी बेला का कुछ करवाना है जो कि हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, बेला का मॉडिफिकेशन सब चीज़ है ना कमेंट में
में एक बार मेरे को बता दिया करो, सजेस्ट कर दिया करो, आपका सजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कमेंट कर दिया करो वीडियो अगर देख रहे हो तो, कमेंट से थोड़ी सी रीच बढ़ती है, तो थोड़ा प्यार तो दिखा दो यार कमेंट में। बाकी मोटरसाइकिल की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इस वीडियो में मैंने दोनों चीज बताई। लास्ट वाली वीडियो में खाली पॉजिटिविटी बताई थी, लॉन्च हो गई थी सेकंड डे, तो एक्साइटमेंट में जो जो मेरे को पता था उस टाइम मैंने सब कुछ बताया। बट अब भी फाइनली मैंने इसके बारे में आपको हर चीज दिखा दी है, ठीक है, हर चीज बता दिया है क्या चीज कैसे है। अभी भी अगर आपको लेनी है, आपने नहीं खरीदी, आपको ये खरीदनी है, आपका मन है, सो गो एंड बाय यार, मतलब मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, जाके आप आराम से खरीद सकते हो मोटरसाइकिल को एंड राइड करके पूरा मजा ले सकते हो। रिफाइनमेंट जो रिफाइंड भाई बहुत रिफाइंड चलती है रोड पे सीरियसली। सो गाइस इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू गाइस। हंटर 350 जिसको बाय करनी है जाके कर सकता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।